हाय, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं टापोड़ा, जो कि महाबलेश्वर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है इंडिया का। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फॉग है, विजिबिलिटी बहुत कम है और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और बहुत अच्छा रास्ते का व्यू है, यहाँ का चारों तरफ ग्रीनरी है। और अभी हम आगे जाके और अच्छे से आपको एक्सप्लोर करवाते हैं, तो आप वीडियो में जुड़े रहिए एंड तक और इसको पूरा देखिए एंड तक। गाइस, दिस इज द व्यू ऑफ टापोड़ा वे, यू कैन सी इन बैकग्राउंड। बहुत सारा फॉग है, क्लियरिटी बहुत कम है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों, ये टपोड़ा बोटिंग का टिकट विंडो है, यहाँ पे आप टिकट ले सकते हो और यहाँ पर अलग अलग चार्ज है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखिए ये अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग जगह के हिसाब से इसका अलग अलग चार्ज है। अभी हम त्रिवेणी संगम तक जा रहे हैं। दिस इज द वे, सड्डिया बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे बोट्स खड़ी हुई हैं, उसमें से एक बोट में हम जाएंगे और पूरा ये 1.5 घंटे का टूर है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करके आएंगे। दोस्तों, अभी हमारी ये बोट आ रही है, इसके अंदर बैठकर हम त्रिवेणी संगम तक जाएंगे। गाइस, टापोड़ा की सबसे खास बात है यहाँ का वेदर। यहाँ का वेदर इतना अच्छा रहता है कि आप यहाँ पर आकर सारी टेंशन भूल जाओगे और इस ट्रिप को बहुत एंजॉय करोगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहाड़ों के ऊपर बादल जाते रहते हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ का, बीच में नदियाँ बह रही है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम पर। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है और इनसे पूछते हैं, ये हमें बताएंगे यहाँ पे नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदी आकर मिल रही है यहाँ पर। देखिए, इस तरफ से जो आ रही है ना, हाँ, ये कांदाटी है, कांदाटी, हाँ, इधर से सामने से जो आ रही है, हाँ, ये कोयना नदी है। कोई और ना। जब हम आए ना, हाँ, जैसे, हाँ, सोचिए ऐसे 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है और यहाँ पे नीचे एक बड़ा सा मंदिर है पानी के अंदर। पानी के अंदर किस चीज का मंदिर है? शंकर भगवान का। अच्छा, जब पानी नीचे जाता है तब वो दिखता है। दिखता है? हाँ, मई महीने में जब पानी नीचे जाता है तब दिखता है। अच्छा अच्छा, तो लोग आते हैं यहाँ पर उस? हाँ, आते हैं ना। अच्छा, वो क्या से बोलते हैं जगह को? त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये त्रिवेणी संगम है और इस पानी के अंदर एक शिव भगवान का मंदिर है। मई के महीने में यहाँ पर जब पानी नीचे उतर जाता है तो वो मंदिर दिखाई देता है और लोग यहाँ पर आते हैं, तो
यहाँ पर तीन नदियाँ मिल रही है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो आप टापोड़ा आओ तो इसको आप ज़रूर विजिट करें, ये बहुत अच्छी जगह है। चारों तरफ इसके माउंटेन हैं और यहाँ पर बादल भी दिख रहे हैं, बरसात भी हो रही है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। फाइनली वी आर एट आइलैंड और हमने यहाँ पर बोट खड़ी करवा दी है और अभी हम आइलैंड पर रुके हैं। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद में वापस जाएंगे। ये नदी जा रही है उधर से और बैकग्राउंड का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का, और रियली बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम इस ट्रिप को, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो आप महाबलेश्वर आओ तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और बोटिंग का आनंद लें और त्रिवेणी संगम आएँ और आइलैंड का टूर भी करें, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। अभी हम वापस जा रहे हैं टापोड़ा की तरफ और ये आइलैंड पे हमने लगभग आधा घंटा स्पेंड किया है। बहुत अच्छा व्यू है इसके चारों तरफ का, इसको बहुत एंजॉय किया रियली। मानसून के टाइम पे यहाँ पर बादल भी एकदम नज़दीक से जाते रहते हैं अपने, उनका व्यू आप बहुत एंजॉय करोगे यहाँ पर। और ऋषभ थोड़ा धीरे आना, फिसल मत जाना। ये बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े आए हम इसको यहाँ पर इस ट्रिप को करने पर। आपको भी एक ऐसी ट्रिप करनी चाहिए जो आपके माइंड को रिलैक्स दे और वर्क का स्ट्रेस थोड़ा कम करें। दोस्तों आपको बोटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए मैं विशाल बोटिंग क्लब के जो ऑनर है उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, जिससे आप क्वेरी कर सकते हो वहाँ पर बोटिंग चालू है या नहीं, कैसा वेदर है, तो सारी क्वेरी आप उनसे जान सकते हो। उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।